हेलो गाइस, सो आई एम दीपक सर एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक सर केमिस्ट्री जोन। टुडे आई एम हियर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड दैट इज VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियोरी एंड इट्स एप्लीकेशन। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू पुट इट इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, एज सिंपल एज पॉसिबल, ओके, एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट, ओके। In the coming lectures, I will be discussing more about chemical bonding, that is the hybridization concept, okay? How we can find the hybridization of any element in a particular ion or compound, okay? And there are so many other related topics like Drago's rule, Bent's rule, okay? Molecular orbital theory concepts. So here I go with the VSEPR. Okay guys, so today we are going to study VSEPR, that is valence shell electron pair repulsion theory. Now this theory is about geometry of molecules. Remember, octet rule का जो limitation था, उसमें से एक limitation था कि octet rule does not say anything about the geometry of molecule, कि molecule linear है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल प्लेनर है कि क्या है, वो ऑक्टेट रूल से नहीं मालूम पड़ा था। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय सिडविग एंड पोवेल इन 1940 एंड वॉज मॉडिफाइड बाय नायोम एंड गिलेस्पी इन 1957, ओके। नाउ ये थियोरी का बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है जिसको हम कहेंगे बेसिक एजम्पशंस। सो the first point is the geometry of molecule depends on the number of electron pairs around central atom. Kisi bhi molecule ya ion mein ek hoga central atom aur baki surrounding atoms. To central atom ke aas paas kitne electron pairs hote hain us par depend karta hai geometry. Dusra, electron pair repel each other and occupy a position such that repulsion is minimum. Okay. यही मतलब होता है VSEPR का, दैट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। दो रिपल्शन वर्ड आया है, दैट इज टू बी हाईलाइटेड हियर, कि इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपेल करेंगे। दैट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। एंड आफ्टर रिपेलिंग दे विल ट्राई टू मूव अपार्ट एज फार एज पॉसिबल सो दैट रिपल्शन इज मिनिमम एंड द मॉलिक्यूल और आयन एक्वायर स्टेबिलिटी। दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग के अंदर जो होता है, जब दो एटम बीच में बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड पेयर, ओके। एंड लोन पेयर इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइंग ऑन एन एटम, ओके, अनयूज्ड, फाइन। सो लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर, greater than bond pair, okay? And lastly, एक multiple bond is treated as a single bond pair, remember, अगर दो bond होगा तो हम उसे एक bond की तरह मान के चलेंगे, okay? So these are some basic principles of VSEPR. Now we'll understand how we can know the type of the molecule, the geometry, okay, and everything related to VSEPR. Okay, so now we'll see first the examples of molecules, okay, having symmetrical geometry. That is, the central atom does not have any lone pair, okay. Now, सबसे पहली बात आपको VSEPR में इतना आना चाहिए, that is number of valence electrons in some atoms. H में एक होता है, beryllium दो, boron तीन, even aluminium you can take three, carbon silicon four each, nitrogen phosphorus दोनों में पांच पांच होता है, oxygen sulfur छ छ, and fluorine क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सात सात होता है एंड ज़ेनॉन में आठ होता है। दिस यू शुड नो, तभी आपको VSEPR आ सकता है।
ओके नाउ हियर वी कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल दैट इज AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स. नाउ AB2 टाइप मतलब सेंट्रल एटम ए है और दो सराउंडिंग एटम बी, सो दो बी एटम है, तो इट्स अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. यू कैन सी देयर थ्री एटम्स. सो AB2 सबसे पहला और सिंपल ज्योमेट्री जो होगा वो होगा लीनियर ज्योमेट्री. यू कैन सी कि दो बॉन्ड पेयर होगा, सिर्फ दो बॉन्ड पेयर, तो दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन 180 डिग्री का होगा. ओके एंड द ज्योमेट्री वुड बी लीनियर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड BeCl2. नाउ सबसे बड़ी बात है हाउ डू वी नो कि CO2 हैज AB2 टाइप. ओके ये समझना बहुत जरूरी है. सो आप CO2 को देखिए, CO2 द सेंट्रल एटम वुड बी सी. ओके रिमेंबर सेंट्रल एटम वो बनता है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है कंपैरेटिवली, एंड सराउंडिंग एटम शुड बी इलेक्ट्रो नेगेटिव. ओनली द एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के बावजूद भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता. ओके नाउ कार्बन के पास टोटल कितने होते इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर ऑन फिंगर्स देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन. और एक बात कि ऑक्सीजन एटम, एक ओ एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. रिमेंबर ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 अगर ओ एटम को देना होगा तो एक को 2 और दूसरे को 2, तो इसके पास कितना बचा, नथिंग. कार्बन के आसपास कुछ नहीं बचेगा, तो कार्बन के आसपास सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर बचेगा, दैट इज 2 ओ एटम, दैट्स इट, नो लोन पेयर. उसके चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए. बेरिलियम के पास 2 होता है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, दैट यू नो. दोनों इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, एक सीएल को यहाँ पे दिया और एक सीएल को यहाँ दिया बॉन्डिंग के लिए, तो बीई के आसपास कोई लोन पेयर नहीं बचा, सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा. ओके दिस हाउ यू शुड नो. और भी हम एग्जाम्पल करेंगे लेकिन एक सिंपल समझने के बाद, ज्योमेट्री समझने के बाद. दूसरा टाइप है AB3 टाइप. इसमें सेंट्रल एटम ए और 3 बॉन्ड पेयर, यू कैन सी इज अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल. रिमेंबर 4 एटम्स है टोटल, सेंट्रल एटम एक और 3 बाजू वाले एटम, दैट इज सराउंडिंग एटम. ओके नाउ इसका सिंपल ज्योमेट्री यू कैन अंडरस्टैंड. जब 3 बॉन्ड पेयर होगा सिर्फ, तो मैक्सिमम सेपरेशन 120 डिग्री का होगा, बिकॉज टोटल एंगल इन स्पेस अराउंड एटम वुड बी 360 डिग्री. सो अगर 3 में बांटना है तो 120 ईच. दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. इट इज इन द प्लेन एंड ट्राइगोनल, दैट्स इट. रिमेंबर BF3. नाउ BF3 क्यों इसको बिलोंग करता है, तो बोरोन के पास 3 होते इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों इलेक्ट्रॉन वो 3 फ्लोरीन एटम को दे देगा, मीन्स इसके पास कुछ नहीं बचेगा लोन पेयर. रिमेंबर दिस थिंग. सो AB2 एंड AB3 ये आपको आना चाहिए कि दे आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, एंड दीज आर वेल नोन एग्जाम्पल. ओके थर्ड इज AB4. AB4 के अंदर 4 बॉन्ड पेयर आपको दिख रहा है, एक के आसपास बॉन्ड एंगल बनेगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, एंड ज्योमेट्री कहलाएगा टेट्राहेड्रल. एग्जाम्पल मिथेन, SiF4. हाउ मिथेन बिलोंग टू दिस टाइप. कार्बन सेंट्रल एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन के आसपास, और चारों चार इलेक्ट्रॉन उसने 4 एच को दे दिया आसपास. ओके सो कार्बन डज नॉट हैव अ सिंगल लोन पेयर. देन AB5. AB5 के अंदर ज्योमेट्री इस तरह बनेगा, 3 बॉन्ड जो होगा वो इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाएगा. इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर विद 120 डिग्री सेपरेशन ईच. रिमेंबर, और ये जो वर्टिकल है इसे एक्सियल बॉन्ड कहते हैं. ये 90 डिग्री पर होगा ये सभी बॉन्ड से, और एक नीचे एक्सियल बॉन्ड ये भी 90 डिग्री पर, ये तीनों बॉन्ड से.
सो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड अ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. कैसे? एक ट्राइंगुलर बेस बनेगा और एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे. सो टू पिरामिड्स आर हैविंग अ कॉमन ट्राइगोनल बेस, सो इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री. क्लियर? एग्जाम्पल PCl5. नाउ हाउ PCl5 बिलोंग टू AB5 टाइप. P के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 5. 5 इलेक्ट्रॉन होते आउटर मोस्ट में और पांचों पांच इलेक्ट्रॉन्स ने 5 Cl को दे दिया. एक एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर. इट हैज नो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, सो इट इज परफेक्ट AB5. नाउ AB6, इसके अंदर एक सेंट्रल एटम और आसपास 6 बॉन्ड पेयर, 4 स्क्वायरिश इन स्क्वायर प्लेनर और 2 वर्टिकल, एक ऊपर और एक नीचे. दिस कॉल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. हाउ ऑक्टाहेड्रल? यू कैन इमेजिन अ स्क्वायर बेस और अगर मैं ये दो वर्टेक्स से ऊपर की और एक प्लेन खींचता हूं मैं, सो आई गेट वन प्लेन. इन द सेम वे यहां से एक प्लेन ऊपर की ओर, पीछे के दो एटम से ऊपर एक प्लेन और एक यहां से, 4 फेस ऊपर बनेगा और 4 फेस नीचे, 8 फेस बनेगा टोटल स्ट्रक्चर में. एंड हेंस इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल. रिमेंबर SF6 बिलोंग टू दिस टाइप. व्हाई SF6? बिकॉज सल्फर के पास 6 होता है इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज गिवन ऑल 6 इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन, 1 each. सो सल्फर के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता लोन पेयर. सो गाइज, दीज आर द रेगुलर ज्योमेट्रीज. ओके, एंड द लास्ट वन इन द रेगुलर ज्योमेट्री इज AB7. सेंट्रल एटम और 7 बॉन्ड पेयर आसपास, पेंटागोनल बेस बनेगा. ओके, और एक वर्टिकल बॉन्ड ऊपर एक नीचे. सो इट्स पेंटागोनल बाय पिरामिडल. इसका इकलौता एग्जांपल है IF7. आई के पास 7 होते इलेक्ट्रॉन एंड इट गिव्स ऑल 7 इलेक्ट्रॉन, इट शेयर्स ऑल 7 विद द सराउंडिंग फ्लोरीन एटम्स, सो इट हैज नो लोन पेयर. तो गाइस रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि रेगुलर ज्योमेट्री में AB2 होगा. ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री, ओके, विच डज नॉट हैव एनी लोन पेयर. AB2 लीनियर शेप, AB3 ट्राइगोनल प्लेनर, AB4 टेट्राहेड्रल, AB5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, AB6 ऑक्टाहेड्रल, AB7 पेंटागोनल बाय पिरामिडल. एंड आफ्टर दिस विल सी द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर. ओके नाउ गाइस, विल सी द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर. एटलीस्ट 1 लोन पेयर. Now remember, such geometries are called unsymmetrical geometries and the effect of the lone pair is known as the lone pair effect. Remember the order of repulsion jo humne discuss kiya tha VACPR ke assumptions mein, lone pair repulsion sabse jyada hota hai. Phir lone pair bond pair and then bond pair bond pair. Isme pehla example hai AB2E. 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर. ई मतलब लोन पेयर. रिमेंबर टोटल पेयर कितने हो गए? 3. 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर. और ज्योमेट्री क्या बनेगा? देखो, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल प्लेनर. रिमेंबर AB3 टाइप, अगर तीनों तीन बॉन्ड पेयर होते तो ट्राइगोनल प्लेनर होता और बॉन्ड एंगल 120 होता. बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर, मतलब ये वाला बॉन्ड ज्यादा रिपेल होगा, ये ज्यादा रिपेल होगा कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, इसलिए बॉन्ड पेयर थोड़ा सा पास आ जाएगा. रिमेंबर ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय द बॉन्ड पेयर्स. तो ये ज्योमेट्री क्या दिख रहा है आपको? वी शेप, उल्टा वी है, या बैंड शेप बोलो या एंगुलर शेप बोलो. ओके, रिमेंबर इज एन एंगुलर शेप. और एग्जाम्पल यहां पे देखिए SO2,
बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 दैट यू कैन एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर. तो ये थोड़ा सा पास आ जाएगा. नाउ यू शुड नो व्हाई सल्फर डाइऑक्साइड बिलोंग टू दिस कैटेगरी. तो सल्फर के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर सल्फर है 6 इलेक्ट्रॉन्स. एक ओ एटम को मैंने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक ओ एटम को 2 इलेक्ट्रॉन. तो 2 ओ एटम को कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 4. तो 6 में से 4 गया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा. दैट विल मेक वन पेयर. ओके, दैट विल मेक वन पेयर. अगेन आई रिपीट, सल्फर हैज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 दे दिया 2 ओ एटम को और 2 इलेक्ट्रॉन बचा, दैट मेक्स वन पेयर. एंड हेंस SO2 बिलोंग टू Ab2e. B2 बोलना आसान है बिकॉज 2 ओ एटम है, तो Ab2 तो है, लोन पेयर है कि नहीं है वो चेक कैसे करते हैं, ऐसे. ओके, वैसे ओजोन ऑल्सो बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. हम और भी एग्जाम्पल करेंगे लेटर ऑन. दूसरा है Ab2e2. टोटल कितने पेयर दिख रहे हैं आपको, 4, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर. तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टेट्राहेड्रल. रिमेंबर Ab4, अगर चारों चार बॉन्ड पेयर होते तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता और बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता. ओके, लेकिन यहां पर 2 बॉन्ड पेयर ऐसे होंगे और 2 लोन पेयर. रिपल्शन ज्यादा किसके बीच में होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लास्ट में बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. तो ये थोड़ा पास में आ जाएगा. तो 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, इट विल श्रिंक अ बिट. ज्योमेट्री क्या बोलेंगे, एंगुलर या वी शेप बोलो या बेंट बोलो. रिमेंबर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप नहीं बोलोगे, आप ज्योमेट्री बोलोगे जो बॉन्ड पेयर के थ्रू बनता है. लोन पेयर ज्योमेट्री पे असर दिखाता है. ओके, बॉन्ड एंगल को कम करने में उनका हाथ होता है. ओके, बट ज्योमेट्री क्या बोलोगे, बेंट. देखो ये वाला भी बेंट शेप है बट इसमें बॉन्ड एंगल 120 से कम है, पर 109 से ज्यादा है. इसमें भी बेंट शेप है लेकिन 2 लोन पेयर के कारण ये ज्यादा बेंट होता है. सो उसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है. And water is the best example, H2O. How H2O? Remember, O के आसपास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन्स ने 2 H को दे दिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4. 4 में पेयर कितने बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, इसलिए 2 पेयर दिखाए. आई रिपीट, O के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया 2 H को, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 4 में पेयर कितने बनाओगे आप, 2 पेयर. सो कोई बोलेगा वाटर किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो Ab2. B2 क्यों, क्योंकि 2 H एटम है, कि 2 बॉन्ड पेयर तो है ही, लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर. ओके, Ab2e2, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल बट शेप विल बी एंगुलर. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल Ab2e3. टोटल कितने पेयर दिख रहे हैं आपको, 5, 2 और 3, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर. नाउ पांचों पांच अगर बॉन्ड पेयर होता तो अरेंजमेंट पता ना क्या होता, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP, मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. यू कैन सी 3 इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 बॉन्ड पेयर. अब लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. ये सबको देखते हुए दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर पॉसिबल एनर्जी वाइज जिसमें तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर है और बॉन्ड पेयर जो हो वो एक्सियल पोजीशन पे है. तो ज्योमेट्री क्या बनेगा, लीनियर. यू कैन सी इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल. ओके, और एग्जाम्पल है ज़ेनॉन फ्लोराइड, XeF2. ओके, तो ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड बिलोंग टू Ab2e3. हाउ, ज़ेनॉन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8. उसने फ्लोरीन को कितना देगा, 2, सिर्फ 2, 8 में से 2 जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बचा. 6 का पेयरिंग करोगे कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर, इसीलिए इसके आसपास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है. देखो 1, 2, 3,
और तीनों तीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, और बॉन्ड पेयर जो है वो एक्सियली है, सो शेप इज लीनियर, रिमेंबर। उसके बाद ये फेमस एग्जांपल है AB3E, AB3E मतलब टोटल पेयर हैं चार, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टेट्राहेड्रल, यू कैन सी टेट्राहेड्रॉन। बट ज्योमेट्री क्या बनेगा? बॉन्ड पेयर से पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल यू कैन नो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम होगा, बिकॉज लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर को थोड़ा रिपेल करेगा, तीनों बॉन्ड पेयर को थोड़ा और रिपेल करेगा, तो ये तीनों थोड़े पास में आएंगे, तो इनका एंगल बनेगा 109 डिग्री से थोड़ा कम। रिमेंबर द ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इट्स ट्राइगोनल पिरामिडल, नॉट बाय पिरामिडल, जस्ट पिरामिडल। अमोनिया NH3 द फेमस मॉलिक्यूल, कैसे? नाइट्रोजन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन? पांच में से उसने तीन H को कितना दिया? तीन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि एक पेयर, इसलिए एक पेयर हमने बताया उसके ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और AB3E2 अगला एग्जांपल, टोटल पांच पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, तो अरेंजमेंट क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तुम देखा है पांच पेयर का अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बट शेप क्या होगा? रिमेंबर अगेन, कीपिंग इन माइंड ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ लोन पे, लोन पे अगर हम यहां रखते और यहां रखते तो रिपल्सन ज्यादा होता, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दैट लोन पे रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। दिस इज द ओनली फिजिबल स्ट्रक्चर जिसमें दो लोन पेयर दो इक्वेटोरियल पॉइंट पर होगा और दो बॉन्ड पेयर एक्सियल और एक होगा इक्वेटोरियल पे। ये ज्योमेट्री कैसे बनेगा? टी शेप, यू कैन सी इट्स अ टी शेप, फेमस शेप है टी शेप। एग्जाम्पल Cl(F3) एंड Br(F3). नाउ हाउ Cl(F3) बिलोंग टू दिस टाइप? Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? यू शुड नो सेंट्रल एटम Cl में सात इलेक्ट्रॉन, तीन फ्लोरिन को सिर्फ तीन दे देगा, कितना बचेगा? चार बचा, चार में पेयर कितना बनेगा? दो पेयर, देखो ये दो पेयर है। सो यू मस्ट नो दिस ज्योमेट्रीज, दीज आर वेल नोन ज्योमेट्रीज, ओके, एंड ऑल दिस मॉलिक्यूल्स, ओके, डेफिनेटली ये इनमें से एक ना एक एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में आएगा। सो ये ज्योमेट्री को आपको पता होना चाहिए, कैसे आता है वो भी आना चाहिए, राइट? अब कुछ और बाकी है, एंड देन वी डू सम एडिशनल एग्जाम्पल्स ऑफ आयंस, देन हाउ टू नो कि आयंस के अंदर किस टाइप को बिलोंग करेगा, ओके? ओके गाइस, नाउ दिस इज AB4E, टोटल पेयर पांच है, चार बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल पांच पेयर का अरेंजमेंट क्या होगा? एज यूजुअल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ओके। लेकिन ज्योमेट्री क्या बनेगा याद रख लेना, सी सॉ, मतलब व्हाट इज सी सॉ? गार्डन में आपने देखा होगा बच्चे खेलते हैं, ऐसा एक होता है सिस्टम जहाँ पे एक यहाँ पर बैठता है एक यहाँ बैठता है, एंड दे एंजॉय दिस कॉल सी सॉ, ओके फाइन। तो यू कैन सी कि ये जो ज्योमेट्री बन रहा है बिल्कुल सी सॉ की तरह बन रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है SF4। व्हाई SF4 बिलोंग टू दिस टाइप? सल्फर के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन? छः, चार फ्लोरिन को दे दिया, छः में से चार जाएगा, कितना बचेगा? दो बचेगा, दो मतलब एक पेयर, देखो एक पेयर बचा। तो SF4 बिलोंग टू व्हाट? AB4E टाइप। यू डोंट हैव टू क्रैम, यू जस्ट हैव टू नो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है आसपास वाले एटम को, दैट्स इट, और कितना बच रहा है। अब यहां पर है AB4E2। नाउ AB4E2 टोटल पेयर आप काउंट करो, चार बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, छह हो गए, छह बॉन्ड पेयर को याद करो, छह बॉन्ड पेयर में ज्योमेट्री क्या था पता ना? ऑक्टाहेड्रल। तो यहां अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन मैंने कहा शेप बनता है सिर्फ बॉन्ड पेयर से, ये आपको स्क्वायर प्लेनर दिख रहा होगा पूरे बी बी जो लिखा है यहां पे, तो दिस इज द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री,
ओके, हर एक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा और दो लोन पेयर एक ऊपर और एक नीचे होगा। एग्जांपल ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4। हाउ? ज़ेनॉन के पास कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 8 में से 4 दे दिया फ्लोरीन को, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब दो पेयर, ये दो पेयर आपको दिख रहा होगा। ओके, देन Ab5e, यहां पर टोटल पेयर कितना है, 6, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर हमको रखना है तो एक नीचे का जो वर्टेक्स होगा वहां हमने रखा। अभी स्क्वेरिश है, 4 बॉन्ड पेयर और एक ऊपर है। कैन यू इमेजिन नाउ द शेप क्या बनेगा, स्क्वायर बेस का पिरामिड बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, BrF5 बिलोंग टू दिस टाइप। ओके, BrF5 बिलोंग टू दिस टाइप, 5 बॉन्ड पेयर है स्क्वायरिश और एक ऊपर, वैसे ही देखो 5 F है और एक ऊपर, तो स्क्वायर बेस का पिरामिड बनेगा। Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 दे दिया फ्लोरीन को, 7 में से 2 बचेगा, 2 मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक पेयर है। देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी इसमें क्रैम करने जैसा नहीं है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड सिस्टमैटिकली। ओके, एंड एक और दो और बाकी होगा, उसके बाद में हम दूसरे एग्जाम्पल करेंगे, एंड देन विल डू द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और ये लास्ट का टाइप है Ab6e, टोटल 7 पेयर दिख रहा है आपको, 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ऑक्टाहेड्रल, अगर खाली B6 होता तो शेप क्या होता, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसमें एक लोन पेयर आ जाने के कारण थोड़ा सा ऊपर का वर्टेक्स झुक जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, या हम कहते हैं वो टेढ़ा हो जाता है थोड़ा, इट इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, इट इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, XeF6 ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। हाउ? ज़ेनॉन के पास कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 दे देगा, कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर की तरह पड़ा रहेगा। तो XeF6 Ab6 है और लोन पेयर एक पड़ा देगा, तो Ab6e बनता है। ओके, सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स गाइस दैट यू मस्ट रिमेंबर। ओके, डोंट क्रैम, बस अंडरस्टैंड देम। और अब इसके बाद हम दूसरे कोई भी आयन्स होंगे, ओके, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन या कोई भी मॉलिक्यूल, उनका ज्योमेट्री, उनका शेप, और फिर आएगा हाइब्रिडाइजेशन। एक बार हम समझेंगे व्हाट इज मीन बाय द टर्म हाइब्रिडाइजेशन, और फिर हम हर एक मॉलिक्यूल या आयन का हाइब्रिड स्टेट भी बताएंगे, राइट? ओके गाइस, सो इन दिस लेक्चर वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ VACPR, हाउ वी कैन अप्लाई VACPR टू एनी मॉलिक्यूल और आयन। सो एप्लीकेशन of VACPR, VSEPR. Now one thing what you can do is just understand it, you can't cram it, you cannot cram the geometry of each and every molecule and ion. Okay, now सबसे important rule क्या होता है in deciding the geometry, you have to know the number of इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल और सेंट्रल एलिमेंट, ओके, या सेंट्रल एटम, सिंपल। नाउ हाउ टू नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ओके, नाउ बॉन्ड पेयर वो हम ढूंढते कैसे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ओके, एंड हाउ टू नो द लोन पेयर वो है कि नहीं है, तो एक सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज
अगर आयन के ऊपर माइनस चार्ज है तो उसका चार्ज हमें ऐड करना है इसमें, बिकॉज नेगेटिव चार्ज मतलब सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन लिया, सो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, माइनस शेड इलेक्ट्रॉन्स, माइनस शेड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टू, अपॉन टू, और लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस पॉजिटिव चार्ज। अगर आयन पे प्लस चार्ज है कोई तो हमें वो चार्ज को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज मतलब सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, माइनस शेड इलेक्ट्रॉन्स, शेड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टू। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ लोन पेज एंड बॉन्ड पेज, एंड वंस यू नो द नंबर ऑफ बॉन्ड पेज एंड लोन पेज यू कैन टेल द ज्योमेट्री ऑफ एनी आयन और मॉलिक्यूल। नाउ गाइस यू विल सी फर्स्ट द ट्राई एटॉमिक स्पीसीज। अब जितने भी ट्राई एटॉमिक स्पीसीज हैं उसको एक बार पेपर पे नोट डाउन कर देने का, एंड देन यू ट्राई इट योरसेल्फ द वे आई एम डूइंग। ट्राई एटॉमिक में द बेस्ट एग्जांपल दैट यू नो इज H2O, ओके, देन CO2, देन XCF2, SO2, देन NH2-, ओके, देन सो मेनी, देयर सो मेनी एग्जांपल्स, ओके, ClO2-, यू कैन टेक, फाइन। सो देर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, लेकिन ये कुछ है जो बहुत ही वेल नोन है, कॉमन है। अब ये बात है कि ये सभी की सभी या तो Ab2 या Ab2e या Ab2e2 या Ab2e3, ये चार में से एक को बिलोंग करेंगे, रिमेम्बर बिलोंग टू वन ऑफ दिस। सभी में दो बॉन्ड पेयर आपको दिख रहा है, ओके, बिकॉज सेंट्रल एटम के आसपास दो बॉन्ड पेयर। नाउ इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर है, इसमें तीन लोन पेयर है। रिमेंबर अगर ए बी टू होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर, बस ये आपको याद रखना है। ए बी टू ई हुआ मतलब ये हो गया बेंट शेप या एंगुलर, ए बी बेंट या एंगुलर और ये लीनियर। रिमेंबर इतना अगर आपको आ गया कि ए बी टू लीनियर होता है और ए बी टू ई थ्री लीनियर, ए बी टू ई और ए बी टू ई टू ये बेंट होता है। नाउ अब हमें अप्लाई करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल आयन इनमें से किसको बिलोंग करता है। लेट अस टेक फर्स्ट द एग्जांपल ऑफ H2O, ओके, पहला हम लेते हैं H2O को। अब H2O के अंदर जिसे मैंने फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, तो बॉन्ड पेयर होते हैं इसमें कितने, दो, बिकॉज ए बी टू तो है, दिस इज ए बी टू टाइप, क्योंकि एक सेंट्रल एटम के आसपास दो बॉन्ड पेयर है, नंबर ऑफ एटम दो है ओ के आसपास, तो वो तो सिंपल है बताना। नाउ लोन पेयर हमें कैसे ढूंढना है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, छः, तो सिक्स, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन इसने एच के साथ साथ शेयर किया, तो 6-2 अपॉन टू, दैट इज टू, मतलब दो लोन पेयर है, मतलब वाटर बिलोंग्स टू ए बी टू ई टू। लेकिन मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप फॉर्मूला सॉल्व करो, आप इसको फिंगर के ऊपर कर सकते हो। लुक हाउ, ओ के पास छः होता इलेक्ट्रॉन, तो मैंने सिक्स फिंगर्स निकाले, सिक्स, ओके, दो एच को दे दिया, सो दो फिंगर आपने बंद कर दिया, निकाल दिया, चार बचा, चार बचा मतलब कितना पेयर बनेगा, दो पेयर, देखो ये दो पेयर है, और ए बी टू ई टू है, इसका मतलब इसका ज्योमेट्री क्या होगा, बेंट, बेंट शेप या एंगुलर शेप, सो इट्स सो सिंपल। वैसे ही अब सी ओ टू की बारी, सी ओ टू में इतना है कि इट इज ए बी टू टाइप,
वो तो है, लोन पे है कि नहीं हमें चेक करना है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार, तो मैंने फोर फिंगर्स निकाला। अब एक ओ एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, रिमेंबर एक ओ एटम दो इलेक्ट्रॉन, तो दो ओ एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, चार ओ चार, तो अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा कार्बन के पास, तो जीरो लोन पेयर बचेगा। तो इट इज परफेक्ट ए बी टू, परफेक्ट ज्योमेट्री, एंड दैट इज लीनियर। ओके, सो सी ओ टू इज लीनियर। वैसे ही अगला है एक्स सी एफ टू। अब एक्स सी एफ टू है, ए बी टू तो है, ये बताना कोई डिफिकल्ट अब नहीं होना चाहिए। हाँ, लोन पेयर कितना है वो हमें अब जानना है। ओके, सो ज़ेनॉन के पास कितने होते इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, एट होते हैं, एट, तो एट फिंगर मैंने नहीं निकाला। अब दो फ्लोरिन को दे दिया, तो एट से दो चला गया, छः बचा, छः में पेयर कितना बनेगा, तीन पेयर, तो तीन लोन पेयर है। तो इट इज ए बी टू ए थ्री, एंड ज्योमेट्री इज लीनियर, ये आपको याद रखना है। ओके फाइन, उसके बाद अगला है SO2। अब SO2 भी AB2 को तो बिलोंग करता ही है, हमें जानना है कि इसमें लोन पेयर है कि नहीं है। हाउ, तो सल्फर के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, छः, देयर आर सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सल्फर। ओके, दो ओ एटम है तो चार चले गए इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक ओ एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ओके, तो छः में से सल्फर के चार चले गए, कितना बचा, दो इलेक्ट्रॉन, दो मतलब एक पेयर, सो इट इज ए बी टू ई, सो दिस इज बेंड शेप। ओके, आप किसी का भी ऐसे ढूंढ सकते हो, जैसे अगला है एन एच टू माइनस। अब एन एच टू माइनस है, एन एच टू माइनस के अंदर नाइट्रोजन है। ओके, तो नाइट्रोजन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, पाँच, पाँच। देखो ए बी टू बोलना तो आसान है, बिकॉज एन के आसपास दो एच एटम है, तो ए बी टू तो है, लोन पे कितना हमें वो जानना है। तो एन के पास पाँच होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो सिस्टम पास छः हो गया इलेक्ट्रॉन, छः में से दो एच को दे दिया, छः में से दो देगा तो चार बचेगा, मतलब दो पेयर, दे विल टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर, ए बी टू ई टू, मतलब ए बी बैंड शेप का हो गया। ओके गाइस, आप किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का ऐसे ही ढूंढ सकते हो, जैसे आप सी एल ओ टू माइनस का अपने आप कर सकते हो। देखो ए बी टू तो है, बिकॉज ए बी टू, कई लोग को ये पता नहीं होता कि सर ए बी टू ए थ्री ये किसे हम बोलते हैं, तो आपको ये देखना टोटल एटम तो तीन है, एक सेंट्रल एटम और दो उसके बाजू में, तो ए बी टू तो है, हमें लोन पे जानना है। क्लोरीन के पास सात होते इलेक्ट्रॉन, देखो ये सेवन लिखा मैंने, माइनस वन चार्ज मतलब एक लिया, तो ये प्लस वन हो गया, ये आठ हो गया, आठ हो गया, आठ में से चार चला गया, देखो चार क्यों चला गया, बिकॉज आठ में से दो ओ एटम को दो दो इलेक्ट्रॉन देकर चार चला गया, चार बचा, तो चार बाई दो, दो लोन पेयर बचेगा। आई होप इट इज क्लियर, इफ यू डू बाय दिस नंबर यू मे गेट कन्फ्यूज, बेटर है डू इट ऑन फिंगर। सी एल के पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स, एक ले लिया मतलब आठ हो गए टोटल, आठ में से चार चला गया मतलब चार बचा, मतलब दो पेयर ऐसे, तो ए बी टू ई टू, एंड दिस इज बेंट just like H2O. Okay guys, so this is all about what the triatomic species, aur ab hum karenge tetraatomic. Okay guys, now these are some tetraatomic, tetra matlab char, char atom ka species aap dekh rahe ho, sabhi ke sabhi jo hai usme AB3 to hai, AB3 sabhi mein hai, क्योंकि सेंट्रल एटम के आसपास तीन दूसरे एटम्स हैं, लेकिन लोन पेयर है या नहीं वो हमें जानना है। तो ए बी थ्री हो सकता है, या ए बी थ्री ई हो सकता है, या ए बी थ्री ई टू हो सकता है। अब ए बी थ्री ई थ्री पॉसिबल नहीं होता, ये आपको फिर पता होना चाहिए, क्लियर, कि ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, अगर ए बी थ्री है
तो ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। रिमेंबर ए बी थ्री है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, और ये हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है। ए बी थ्री ई टू होता है तो फेमस है टी शेप, टी शेप। ओके नाउ लेट अस चेक वन बाय वन। पहला ही है बी एफ थ्री। अब बी एफ थ्री है तो ए बी थ्री बोलना तो आसान है, लोन पे है कि नहीं हम चेक करेंगे, फिंगर पे। कैसे? बोरोन के पास तीन होता है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, वैलेंस शेल में, तीन फ्लोरिन को तीनों तीन शेयरिंग कर दिया उसने, जीरो बचा, मतलब नो लोन बेरेटॉल। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके सिंपल। दूसरा है से सी ओ थ्री टू माइनस। अब ये देखो इसमें हम कैसे बताएंगे। ए बी थ्री बोलना आसान है, अगेन आई एम टेलिंग यू, कार्बन एक ए हो गया और तीन ओ एटम वो बी थ्री हो गया। हाँ लोन पेयर है कि नहीं हमें चेक करना है। कार्बन के पास आपको पता होना चाहिए कि चार होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार, दो माइनस चार्ज है मतलब दो इलेक्ट्रॉन लिया, छः हो गया, तीन ओ एटम है, एक ओ एटम को दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन ओ एटम को छः ओ छः इलेक्ट्रॉन, और सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, राइट? तो इट हैज जीरो लोन पेयर। तो इसका शेप क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। फाइन नाउ लुक हियर। वैसे ही और एग्जांपल हम देखते हैं ट्राइटॉमिक का, सी एन ओ थ्री माइनस आयन। अब एन ओ थ्री माइनस आयन है, ए बी थ्री बोलना आसान है बिकॉज एन के आसपास तीन ओ एटम है। अब तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर एन के पास आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? पाँच। अब पाँच और एक माइनस चार्ज है मतलब छः हो गया इलेक्ट्रॉन टोटल एन के आसपास, तीन ओ एटम है, एक को दो इलेक्ट्रॉन, तो तीनों तीन ओ एटम को कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? छः, और सिक्स आर शेड, खत्म, नो लोन पेयर एट ऑल। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। वेन आई से प्लेनर मतलब ऐसे होगा, एन ऐसे प्लेन बताएंगे, दिस इज द वे। ओके यहाँ पे ओ एटम ओ एटम ओ एटम, किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड, ओके आयन सिस्टम पे चार्ज आता है माइनस, सी दिस इज द वे। ये आपने पढ़ा होगा लुईस स्ट्रक्चर के अंदर, फाइन, लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगा। देन टेक एग्जांपल ऑफ H3O+। देखो ये हाइड्रोनियम आयन है, दिस इज ऑल्सो वेल नोन आयन। ओके तो H3O+, आई एम राइटिंग हियर एज एग्जांपल H3O+, देन CH3+, CH3- इतने सारे आयन्स हैं। तो H3O+ के अंदर ये बताना कि AB3O आसान है, लेकिन लोन पे कितना है देखते हैं। देखो ऑक्सीजन के पास छः होता है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन छः, एक चला गया क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो पांच बचा, पांच में से तीन चला गया विथ तीन एच एटम, तो दो बचा पांच में से, मतलब एक पेयर, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर बनेगा, इट इज ए बी थ्री ई। ए बी थ्री ई बोलना मतलब ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल। ओके सो मतलब ऐसे ओ इधर होगा, दिस इज द पिरामिड, और ऊपर एक लोन पेयर, ये मैंने बताया, देखिए ये हो गया उसका लोन पेयर, एक एच एटम इधर, एक एच एटम, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसने एच को दिया, और दिस इज द लोएस्ट स्ट्रक्चर, दिस इज अ पिरामिडल ज्योमेट्री, रिमेंबर। ओके सो किसी भी आयन का ज्योमेट्री आप बता सकते हो। So likewise, you can do it for any of these following ions. Clear?
सो सिर्फ आपको सेंट्रल एलिमेंट के आसपास ओके कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसे ऐड करो ओके, फिर कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, बाकी जो बचा उसको टू से डिवाइड करने का, तो उतने लोन पेयर बन जाते हैं। क्लियर? नाउ विल ट्राई फॉर CH3+ एंड CH3- एक साथ में ओके। नाउ कार्बन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन वैलेंस? 4, तो मैं 4 लिखता हूं, इधर भी 4, यहां पे +1 चार्ज है, मैंने कहा तो +1 मतलब इलेक्ट्रॉन एक चला गया, तो यहां माइनस करूंगा -1, तो अब 3 बचा, यहां माइनस चार्ज है मतलब वो ऐड करूंगा +1, तो ये बच गया, ये हो गया 5। ठीक है, अब 3 एच एटम है, तो जो 3 बचा, तीनों 3 शेयरिंग हो गया, ऑल 3 आर शेयर्ड, तो 0 लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। यहां 5 में से 3 गया, देखो 3 एच एटम को 5 में से 3 चला गया, तो बचा 2, मतलब एक पेयर बचेगा, तो ये AB3E हो जाएगा, और दिस विल बी AB3, ये फर्क होता है। तो अगर आप बनाओगे मिथाइल कैटायन तो ये बनेगा प्लेनर, बिकॉज दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड दिस इज पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल ओके। सो सी ए एच, ए एच और ए एच, और ये हो गया इसका चार्ज प्लस ओके। और यहाँ पर पिरामिड मतलब आपको पता है, ऐसे हम बताएंगे एच 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 और ए लोन पेयर, और एक माइनस चार्ज होगा तो हम ब्रैकेट में डाल के माइनस लिखेंगे। सी दिस इज द वे वी कैन यू नो फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल और एनी आयन, यू कैन ट्राई फॉर द रेस्ट ऑफ द आयन्स ऑन योर ओन। ओके गाइस, नाउ वी टेक द एग्जांपल्स ऑफ पेंटा एटॉमिक स्पीशीज, इस सभी में टोटल 5 स्पीशीज है, यू कैन से 5 एटम्स है टोटल, जैसे 1 सल्फर और 4 फ्लोरीन, सो 5 हो गए। नाउ दे विल बिलोंग टू यू नो वन ऑफ दिस फॉलोइंग, AB4 तो है, एक सेंट्रल एटम और 4 बॉन्ड पेयर, या AB4E या AB4E2, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर AB4 है मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, रिमेंबर टेट्राहेड्रल, AB4E है इट इज वेल नोन सी सॉ ज्योमेट्री जो SF4 में होता है, और AB4E2 में स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये आपको मुंह पे होना चाहिए। फिर आप किसी भी इनमें से मॉलिक्यूल को उठाओ ओके, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग NH4+, चलो इसका हम देखते हैं। अब इसके बारे में ये बताना कि AB4 आसान है, लोन पे ढूंढना, बस हमें हम कैसे ढूंढेंगे लोन पेयर, एन के पास 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से एक चार्ज होगा प्लस चार्ज, मतलब एक चला गया, 4 बचा, चारों 4 एच शेयरिंग कर दिया, 0 लोन पेयर, तो इट इज परफेक्टली टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ओके। तब आपको शेप बनाने आना चाहिए, अच्छा दिस इज अमोनियम आयन एच 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 और ये एच और ये प्लस चार्ज, फाइन, कीप इट इन माइंड। नाउ वैसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल मैं लूँ से Cl O4-, ओके Cl O4-, दिस इज परक्लोरेट आयन। अब Cl O4 पे अगर मुझे जानना है तो AB4 बोलना आसान है, हमें सिर्फ लोन पे ढूंढना है। तो क्लोरीन के पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं, एक माइनस चार्ज मतलब लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए, 8
और चार ओ एटम है, हर एक को दो देंगे तो आठ हो आठ इसका शेयरिंग हो जाएगा, मतलब जीरो लोन पेयर बचेगा इसके पास। तो दिस विल बी सिंपली Ab4 और ये होगा टेट्राहेड्रल। रिमेंबर ये ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, आपको पता है बिल्कुल इसकी तरह होगी ज्योमेट्री। ओके लाइकवाइज यू कैन गो फॉर एनी आयन, से आई एम टेकिंग नाउ सल्फेट आयन, से सल्फेट आयन फेमस आयन है, सल्फेट आयन पे माइनस टू चार्ज होता है। Ab4 बोलना तो आसान है बिकॉज वो हमें दिख ही रहा है, लोन पेयर है कि नहीं हम चेक करना है। सल्फर पास कितना होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, छः होते हैं, छः दो माइनस चार्ज है मतलब दो लिया आठ हो गए, और ऑल एट आर शेयर्ड विथ फोर ओ एटम बिकॉज एक ओ एटम दो इलेक्ट्रॉन लेता है, बोलना मत। तो जीरो लोन पे, दिस इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। ओके यही अगर फिर कोई ने कहा SF4 का बताओ, तो हमने किया हुआ है, अगेन आई एम डूइंग इट, SF4 SF4 Ab4 बोलना आसान है उसके लिए, Ab4 बोलना आसान है, लोन पेयर है कि नहीं हमें चेक करना है। सल्फर के पास कितना होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, टोटल छः, ये आपको मुंह पे होना चाहिए। चार फ्लोरिन को शेयरिंग कर दिया, चार गया तो दो बचा छः में से, मतलब एक पेयर, तो इट इज Ab4e एंड देयरफॉर इट इज हैविंग अ सीसॉ ज्योमेट्री। सीसॉ ज्योमेट्री कैसे होगा, सल्फर फ्लोरिन 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 और एक लोन पेयर जो हम ऐसे बताएंगे। सो गाइस किसी भी आयन या मॉलिक्यूल का यू कैन फाइंड आउट ईजिली, बस आपको पता होना चाहिए अगर पेंटा एटॉमिक है तो Ab4 Ab4e Ab4e2 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इनका ज्योमेट्री करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होता, बस ए आना चाहिए एक बार। क्लियर, नाउ वी गो फॉर द हेक्सा एटॉमिक। ओके गाइस नाउ ये है हेक्सा, यू कैन सी टोटल देयर आर सिक्स एटम्स इन ईच ऑफ दिस। अब यहाँ पे एक बात पता होना चाहिए कि दे में बिलोंग टू वन ऑफ दीज Ab5 नो लोन पेयर, Ab5e एक लोन पेयर है एंड बस यही दो होता है और तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। अगर Ab5e होगा तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होता है, ये पता आपको होना चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल, और ये होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बाई पिरामिडल। ओके नाउ लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ PCl5। देखो PCl5 में पी के ई बोलना कि Ab5 है वो आसान है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं चलता सर Ab5 बोले या Ab4 बोले या क्या बोले हम इसको, Ab5 हमें सिर्फ लोन पे जानना है। अब पी के पास होते हैं पांच इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, पांच 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 सीएल को उसने शेयरिंग कर दिया, ऑल फाइव गॉन, जीरो लोन पे, तो एक भी लोन पे नहीं है इसके पास, परफेक्ट Ab5 मतलब ये होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री कैसे होता है पता ही आपको, पी और दिस विल बी इन द इक्वेटोरियल प्लेन, तीन सीएल इधर होगा और एक सीएल ऊपर और एक सीएल नीचे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। क्लियर, इन द सेम वे यू कैन गो फॉर BrF5। तो BrF5 ये बोलना कि ये Ab5 है आसान है। ओके Ab5 है वो दिख रहा है, लोन पे ढूंढना है हमें इसमें। Br के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स, सेवन, देयर सेवन इलेक्ट्रॉन्स अराउंड Br, पांच दे दिया फ्लोरिन को शेयरिंग के अंदर, कितना बचा, दो बचा, दो मतलब एक पेयर। ओके सो इट इज Ab5e, सो ज्योमेट्री क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। ओके दिस इज द ज्योमेट्री,
ये कैसे होगा ज्योमेट्री, बी आर इधर होगा स्क्वायरिश, देखो ए स्क्वायर प्लेन में चार फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन 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 एंड यहाँ फ्लोरीन और एक फ्लोरीन ऊपर की ओर, तो ये किसी स्क्वायर बेस होगा उस पर एक पिरामिड बन सकता है बट जॉइनिंग द ईच फेसेस, और लोन पेयर जो होगा वो नीचे एक वर्टेक्स पे हो जाएगा इसका, दिस इज द लोन पेयर। ओके इन द सेम वे ये कभी कॉम्पिट एग्जाम में आया हुआ है XCOF4, इसमें दो अलग तरह के सराउंडिंग आइटम है, एक ऑक्सीजन है और चार फ्लोरीन आइटम है, तो लेट अस चेक आउट XCOF4 XEOF4। ओके सो AB5 बोलना आसान है बिकॉज टोटल पांच आइटम है XC के आसपास। अब लोन पे कितना चेक करते हैं, देखो ज़ेनॉन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, एट, चार चला गया फ्लोरीन पे तो चार बचा, एक ओ एटम है तो दो चला गया इलेक्ट्रॉन ओ के लिए, दो बचा मतलब एक पेयर, तो इट इज AB5E। ओके और इसका एक ही ज्योमेट्री जो इसकी तरह है स्क्वायर पिरामिडल, ये ट्वेल्थ के अंदर भी आता है, दिस वॉज आज इन ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम, डो द स्ट्रक्चर ऑफ XCOF4, तो ये ज़ेनॉन होगा एंड चार जो फ्लोरीन है वो प्लेन में होंगे, देखो एफ 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 एंड एफ और ऊपर ओ होगा दो बॉन्ड से, ना दो बॉन्ड क्यों बनाया मैंने, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि एक ओ एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लेता है इसलिए दो बॉन्ड बनाना पड़ा। ओके और जो लोन पेयर है वो नीचे की ओर होगा, इज इट क्लियर, बस दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ XCOF4। सो गाइस आई होप यू कैन नाउ यू नो डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ एनी आयन एनी मॉलिक्यूल। ओके सो यू मे ट्राई आउट रेस्ट ऑफ द आयंस दैट यू मे कम अक्रॉस, फाइन, and I will discuss in the coming lectures the question which have been asked in competitive exams. So friends, I've tried my best to bring to you in the most simplest way the VSAPR concept. On fingertips, you know, I've taught you how to find out the number of lone pairs, the bond pairs, without going into the formulas and other things, right? I'll be coming back again with some more topics, important topics, guys. I'm sure it will make the things easier for you. Keep learning and stay tuned with my channel. And do like, you know, comment and subscribe. Thank you so much. Bye.